कुछ तो जादू है इन पहाड़ों में, मुझे बार बार यहाँ खींच लाती हैं। ये हवाएं, यहाँ का मौसम, यहाँ की वादियाँ, एक अलग ही सुरूर है इनका, इश्क सा हो जाता है। गुड मॉर्निंग, आज तो हमें मसूरी में कल रात को आकर पहुँचे थे। मौसम बहुत ख़राब हो गया था। देहरादून से जैसे निकले काफ़ी हसल हो गया वहाँ पे कि गाड़ी नहीं मिली और बारिश वजह से हुई। फिर देहरादून पहुँचे, देहरादून गलती से ISBT पहुँच गए। ISBT से हमने लिए ऑटो लेकर पहुँचे मसूरी बस स्टैंड। लकीली एक लास्ट बस मिल गया। फिर वहाँ से हम आए मसूरी, रात के 9:30 बजे पहुँचे। जैसे तैसे इतनी बारिश पड़ रही थी यहाँ पे, तो एक होटल ले लिया बस। कैसे भी वहाँ लोग मिलते हैं आपको, सस्ते में हो जाता है जो भी है। तो लेकिन वैसे एक अंकल मिल गया, वैसे चलो रात भर की बात है, सो जाते हैं। फिर हम निकले, इतनी ठंड थी यार, लगा ऋषिकेश में ठंड था लेकिन ऋषिकेश ठंड था, ठंड तो यहाँ पे है और इतने बढ़िया ठंड है। और सुबह भी हम नहा धोकर तैयार होकर निकल चुके हैं पूरा बैकपैक लेकर, और चलेंगे लाल टिब्बा की तरफ। लाल टिब्बा में सुने हैं वहाँ से मिलती दिखती है हिमालय, और अंकल ने पिलाई बहुत बढ़िया चाय। अंकल थैंक यू भाई। सर लाल टिब्बा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक छोटी सी लिफ्ट मिल गई थी कुछ 1 किलोमीटर तक। ये ठंड है, सबसे मज़ेदार बात है एक भी दुकानें खुली नहीं अभी तक। टाइम हो रहा है करीबन 10:30 या 11 के आसपास, एक भी दुकान नहीं खुली है। और अपने को चाहिए कुछ खाना, बहुत भूख लगी है। जब हम होटल से निकले माल रोड से, हमने कहा 4 किलोमीटर है, तो आई थॉट कि यार ट्रैक कर लेते हैं, थोड़ी गर्मी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। नहीं यार, काफ़ी खड़ी चढ़ान है। वैसे यहाँ पे बाइक और स्कूटी मिलती है भाड़े पे, लेकिन काफ़ी मोनोपोली सी हो रखी है, तो इनका जो रेट है वो ऋषिकेश या किसी और हिल स्टेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ओह शिट यार, डैम बहुत ऊंचा है, लैंड करा दे। तो अभी तो हम आधे रास्ते हैं लाल टिब्बा के, बहुत भूख लगी थी और बीच में समोसे खाने रुक गया। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, और उसमें आलू था तो लगा कि थोड़ी एनर्जी थोड़ी कार्ब मिल जाए, तो इसलिए 2 समोसे खा लिए। ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है। वैसे तो रात को लगा कि कहीं बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन जो ऊपर आए तो कुछ सीन दिख गए बर्फ़ के। कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन ब्यूटीफुल। वो कहते हैं ना, घर फिर दो बरू ज़मीन अस अमीन अस्तो अमीन अस्तो अमीन अस्तो, तो जन्नत यार। लाल टिब्बा जहाँ से हम निकले वहाँ से एक डाइवर्जन निकलती है धनौल्टी की तरफ, तो करीबन ये 23 किलोमीटर है। और मैंने तो हाइक करने की सोची थी, 23 किलोमीटर का चैलेंज तो ले लिया है, गूगल मैप से दिखा रहा है 5-5.5 घंटे। अगर कोई मिल जाता है लिफ्ट तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी है, वरना चैलेंज लिया है तो एक्सेप्ट करना ही है और पूरा भी करना है। लेट्स सी कितनी दूर तक, कितनी हद तक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे उठा लिया। एंड काफी बर्फ जमा पड़ रखी है यहाँ पे। दिस इज धनौल्टी राइट? ऑलमोस्ट नहीं, धनौल्टी और 3-4 किलोमीटर दूर है, बट फिलहाल उसी रास्ते में और काफी बर्फ पड़ रखी है, लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, हम भी चले। बिल्कुल, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि इनके साथ ही मैं आगे बढ़ूँ। कानाताल तक, तो कानाताल तक जाएंगे, कानाताल को भी एक्सप्लोर करेंगे और सीधे इनके साथ ही वापस आ जाएंगे मसूरी। फिर देखते हैं आगे की दिल्ली की जर्नी।
ऋषिकेश और मसूरी के सफ़र में साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी, पर किसी और शहर में। थोड़ी हवा पानी भी तो बदलनी ज़रूरी है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ऋषिकेश कहाँ था इस वीडियो में, तो भैया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देखिए। ऋषिकेश में काफ़ी करतब किए हैं मैंने। आपसे वहाँ मुलाकात होगी।